निकलने का, इसके बाद कोई फायदा नहीं है, आप लोग अभी निकले। ये जो महंगाई है ये चूंकि मुस्तकबिल को इफेक्ट कर रही है। यहाँ प्रोटेस्ट है तीन तलवार पे महंगाई के खिलाफ, और हम इमरान खान की कॉल पे आए हैं, और हम चाहते हैं कि सारे कराची वाले आते हैं। हम सीबीसी तंजीम का पार्ट हैं, ये सीबीसी तंजीम का इवेंट था, से भरपूर शिरकत हुई है, और इंशाल्लाह कल भी खान साहब की स्क्रीनिंग है कराची में, आप लोग ज़रूर आइएगा। ही टाइम है निकलने का, इसके बाद कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग अभी निकलें, अभी अपनी आवाज़ उठाएँ। ये जो महंगाई है ये ना सिर्फ आपको डे टू डे आपको इफेक्ट कर रही है, लेकिन आपके बच्चों के मुस्तकबिल को भी इफेक्ट कर रही है। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप बाहर आएँ, हम भी सड़कों पर आएँ, आप भी आएँ। हम जो है चीखते रहते थे जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त मीडिया आवाम सब चीखती थी महंगाई महंगाई महंगाई। अब जो 10-20 गुना ज़्यादा हो गया है, लोग क्यों नहीं निकल रहे, घर से निकलो, जो सड़क पे जा रहे हैं उसके पेट्रोल के पैसे भी तो 250 दे रहे ना आप लोग लीटर। आप लोग कहाँ हैं, आप लोग क्यों नहीं, आवाज़ क्यों नहीं निकल रही है दिल से दिमाग से, अपने अपना नफ्स कहाँ गया, मर गया। जब इमरान खान था उस वक्त तो सही चल रहा था, इमरान खान उतरा तो सब सो गए, वैसे जैसे 70 साल से सो रहे वैसे हम सोते रहेंगे। आप लोग बाहर निकलो, 24 तारीख सितंबर हफ्ते वाले दिन 5 बजे शाम को गुलशन इकबाल में स्क्रीनिंग रखिए, क्योंकि वो वहाँ रहीम यार खान से अपनी तकरीर करेंगे, अपनी हकीकी आज़ादी की मूवमेंट शुरू करेंगे इंशाल्लाह कल से। आपने आना है, निकलना है, खान को दिखाना है हमने इस इम्पोर्टेंट हुकूमत को निकालना है हर लिहाज से, हर तरीके से। इंतखाबात हो चाहे अब हो चाहे 20 दिन हो, इंतखाबात होने। ये लोगों से अपील करती हूँ कि आप निकलें घरों से, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, जो मिडिल क्लास लोग हैं वो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। अब हम बहुत परेशान हो गए, बहुत बेजार हो गए हैं, सुन सुन के और देख देख के हम बेजार हो गए। तो बस मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि आएँ और खान के अपील पे महंगाई के ख़िलाफ़ निकलें, और हर जगह पे जो है ना एहतजाज करें।